नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन किताब की समरी जिसका नाम है मैजिक वर्ड्स। आज की बुक समरी में आप उन 7 मैजिक वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो हमें हमारे एक्शन को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने गोल तक पहुंचने के लिए किसी न किसी की नीड होती है। ये बुक समरी आपकी उस नीड को पूरा करेगी। आप एक मैनेजर हैं या फिर एक एंटरप्रेन्योर, आप एक टीम मेंबर हैं या फिर एक आम इंसान जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ काम करता है, तो ये बुक समरी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये मैजिक वर्ड होते क्या हैं? आपके दिमाग में कई तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मैजिक वर्ड्स पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। मैजिक वर्ड्स दूसरों को मोटिवेट करते हैं, और अगर आप मैजिक वर्ड्स का यूज करते हैं तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर की लिस्ट में आ जाते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ में सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन। किसी भी काम को करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। हालांकि आप लोगों को कुछ भी करने के लिए फोर्स करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये चीज हमेशा काम आए। क्योंकि लोगों पर जब कोई हुकूमत चलाता है तो लोग उस इंसान को कम पसंद करते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप लोगों के एक्शन को मोटिवेट करें, और ये मोटिवेशन आप सिर्फ मैजिक वर्ड्स की हेल्प से कर सकते हैं। मैजिक वर्ड्स की मदद से आप खुद को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सी चीजें कंसीडर करनी होती हैं। अल्बर्ट मेहरबाइन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो बोलते हैं वो सिर्फ 7% ही इफेक्ट शो करता है। बाकी का इफेक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस की टोन से होता है। मैजिक वर्ड्स की मदद से हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है और हमारी स्पीच और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। मैजिक वर्ड्स तब भी इफेक्टिव होते हैं जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन खराब होता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, मैजिक वर्ड्स तभी वर्क करते हैं जब एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन के साथ उनको यूज किया जाता है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ कोऑपरेट करे, तो इसके लिए सामने वाले व्यक्ति को केयर शो करें। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड है यस, और जो सबसे बुरा वर्ड है वो है नो। आप दिन भर में कितनी बार यस सुनते हैं या फिर कितनी बार इस वर्ड को यूज करते हैं, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसी वजह से हर व्यक्ति को यस सुनने की आदत हो गई है। हम चाहते हैं कि कोई भी ना ना कहे, क्योंकि हर व्यक्ति रिजेक्शन से डरता है, इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे कुछ ऐसा सवाल करें वो सिर्फ यस में ही उसका जवाब दे सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी से यस कहलवा लेंगे तो वो आपका काम जरूर करेगा। आपके सक्सेसफुल होने की चांस तब और बढ़ जाती है जब आप किसी व्यक्ति से अपना मेन काम करवाने से पहले ही 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन की सेल्स 18% से 32% तक जंप कर जाती है अगर वो सेल करने से पहले अपने कस्टमर से 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सामने वाले व्यक्ति को किसी भी बात के लिए एग्री करके उससे यस सुन सकते हैं। एक और टेक्निक है जो यस सुनने के जितना ही इम्पोर्टेंट है, वो है नो ना सुनना। हमेशा यस मोड में रहें, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव चीज मेंशन कर देते हैं तो कन्वर्सेशन पॉजिटिव से नेगेटिव इमोशन जैसे कि फियर, कॉशन और रिजेक्शन की तरफ मूव हो जाता है। मान लीजिए किसी एयरलाइन का कैप्शन है नॉट टू बी कंसर्न्ड, तो ऐसे कैप्शन को देखकर भी पैसेंजर्स में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि नेगेटिव वर्ड्स को पूरी तरह अवॉइड करें, और हां, यस का यूज भी ना करें। याद रहे कि ये वर्ड बहुत पावरफुल है, इसलिए इसका यूज समझदारी से करना चाहिए। अटेंशन ग्रैब करने के लिए कन्वर्सेशन के बीच में नेम का यूज करें, और अगर आप डायरेक्ट अटेंशन चाहते हैं तो बट यानी कि लेकिन जैसे वर्ड का यूज करें। इमेजिन करिए कि आप एक क्राउडेड बार में हैं जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। वहां पर इतना शोर है कि आप अपने बगल में बैठे इंसान की आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अगर कोई आपका नाम पुकारेगा तो कुछ भी हो जाए आपका ध्यान उस ओर चला ही जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायोलॉजिकल हम अपना नाम सुनते ही उसकी ओर अटेंशन शो करते हैं, और इसलिए नेम एक बहुत ही अच्छा मैजिक वर्ड होता है। तो अगर आप किसी की अटेंशन चाहते हैं तो सबसे पहले उनका नाम लेकर उनका ध्यान अपनी ओर करें और अपनी बात कहें। कोई भी इंसान जब अपना नाम सुनता है तो उसको ज्यादा वैल्यूबल और इम्पोर्टेंसी फील होती है। शायद इसीलिए ही साबित किया जा चुका है कि अगर किसी का नाम कैथी है तो वो पेप्सी और कोक में कोक प्रेफर करेगा, और अगर किसी का नाम पीटर है तो वो पेप्सी प्रेफर करेगा।
नाम की पावर की इंपॉर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है कि जॉर्जिया में जॉर्जिया नाम की महिलाएं किसी और जगह के कंपेयर में 88% ज्यादा हैं। एक और मैजिक वर्ड जो आपको सरप्राइज कर सकता है वो है बट, यानी कि लेकिन। इस वर्ड की पावर बहुत स्पेसिफिक होती है। जब आप किसी सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से आप अपनी पहले कही हुई बात की इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं। तो किसी भी कन्वर्सेशन में आप उस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और फिर बीच में बट का यूज करके उस बात को कहें जो आप कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाना चाहता है तो वो पहले उसे ये बता दे कि उसे इंजेक्शन लगाने जा रहा है, लेकिन फिर बट का यूज करके वो डॉक्टर अपने पेशेंट का ध्यान किसी और चीज की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। बिकॉज और इफ लोगों को कुछ करने और सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं। हर इंसान जब भी कुछ देखता है या करता है तो उसके पीछे का रीजन जरूर जानना चाहता है, और अगर आप उस इंसान को किसी काम के पीछे का रीजन बता देंगे तो वो इंसान उस काम को करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा। और इसीलिए बिकॉज भी एक मैजिक वर्ड है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने बिकॉज की पावर के ऊपर एक बार स्टडी की थी। वो कॉलेज के ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन के पास जाकर लाइन को ब्रेक करते थे और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सबसे पहले मशीन यूज करना चाहते थे, और ऐसा करते टाइम वो 60% टाइम ही सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उन्होंने लाइन ब्रेक करने के लिए एक्सप्लेनेशन देते टाइम बिकॉज वर्ड का यूज किया तो वो 93% टाइम सक्सेसफुल हुए। हालांकि बिकॉज यूज करने के बाद वो कोई सॉलिड रीजन नहीं देते थे। बिकॉज एक पावरफुल वर्ड है, लेकिन याद रखिए कि आप किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन किसी भी इंसान को खुद डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आपकी कोई कंपनी है और आपके एम्प्लॉय डेडलाइन के अंदर काम नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे में उनको अपने लिए बिकॉज ढूंढना पड़ेगा, यानी कि कोई रीजन ढूंढना पड़ेगा, और जब भी वो रीजन ढूंढ लेंगे तो अपने वर्क की ओर ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। एक और मैजिक वर्ड है इफ, यानी कि अगर। ये वर्ड लोगों को हाइपोथेटिक और क्रिएटिव सोचने पर मजबूर करता है। तो आप भी इफ वर्ड का यूज लोगों के थॉट को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए करें। अगर कोई कहता है कि वो काम नहीं कर सकता तो सिर्फ इतना न कहें कि तुम ये काम कर सकते हो, बल्कि कहें कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम क्या करोगे। जब भी आप किसी के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो हेल्प वर्ड काफी हेल्प करता है, और थैंक्स की मदद से आप मोटिवेशन लेवल हाई रख सकते हैं। जब आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आपको इंपॉर्टेंसी फील होती है और आपको लगता है कि कोई तो है जिसको आपकी जरूरत है, और इसीलिए हेल्प एक मैजिक वर्ड है। हालांकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको उस व्यक्ति के साथ एक स्पेसिफिक वे में काम करना होता है। मान लीजिए आप अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और एक नया प्लेयर आपकी टीम में आया है। आप काफी दिनों से शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत फील कर रहे थे, और जो नया प्लेयर है वो शॉर्ट बॉल का काफी अच्छा प्लेयर है। तो अगर आप उस प्लेयर से हेल्प लेंगे तो उस नए प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसे इंपॉर्टेंसी फील होगी। एक लास्ट मैजिक वर्ड है थैंक्स। थैंक्स का यूज बिजनेस में काफी होता है। बिजनेस को अपने कस्टमर को थैंक्स करना होता है, और बॉस के लिए जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉय को थैंक्स करे। थैंक्स की वजह से कस्टमर हैप्पी रहते हैं और एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय को थैंक्स कहेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी वैल्यू की जा रही है, इसलिए वो जॉब को और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और अगर उनको किसी अच्छे काम के लिए अप्रिसिएट नहीं किया गया तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। हालांकि अगर आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो वो काम आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा, और अगर आप सेम काम करके बार बार प्रेज की उम्मीद करेंगे तो ये गलत होगा। इसलिए आप अपने एम्प्लॉय को उनके काम को प्रेस करने के लिए खुश रखें। याद रखें कि एम्प्लॉय के बिना बिजनेस कुछ नहीं है। अपनी कंपनी में थैंक्स कल्चर शुरू करें जहां पर सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन वैल्यू किया जाता है। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। कम्युनिकेशन किसी भी तरह के ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो मैजिक वर्ड्स का यूज करें। यस, बट, इफ, थैंक्स, हेल्प, ये सभी मैजिक वर्ड हैं। ये सारे वर्ड बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन आपको इनका सही यूज करना आना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।